हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास में हम लोग पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं और इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिख रहे हैं हमें। अभी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड कर पा रहे होंगे। एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ये स्पेस वाला पार्ट है एंड देन उसके बाद एक और ट्रायंगल है। जो पहला ट्रायंगल है उसकी जस्ट मिरर इमेज है सेकेंड वाला। तो 3 एलिमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए हम थोड़ा सा और एनालिसिस अगर करें तो जो पहली लाइन है उस पहली लाइन में एक नंबर प्रिंट हो रहा है 1, दूसरी लाइन में 2 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं 1 2, तीसरी लाइन में 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, चौथी लाइन में 1 2 3 4 और पांचवी लाइन में 1 2 3 4 5। तो जो प्रिंटिंग हो रही है, जो पहले पार्ट है, उस पहले पार्ट में जो प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है वो 1 से हमेशा स्टार्ट हो रही है और लाइन नंबर्स तक हम वेरी कर रहे हैं। तो पहला पार्ट तो हमने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ लाइन टाइम्स तक। फिर इसके बाद हम स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। स्पेसेस की अगर हम काउंटिंग करें तो स्पेसेस की काउंटिंग एक्चुअली हम लाइन नंबर 5 के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे कि कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं पहली लाइन में। और इसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें स्पेसेस 2 कम हो जाएंगे, मतलब 6 प्रिंट होंगे। तीसरी लाइन में जो नंबर ऑफ स्पेसेस है वो 2 फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 4। और लास्ट लाइन, इस लाइन में नंबर ऑफ स्पेसेस 2 हो जाएंगे और फाइनली लास्ट लाइन में जो स्पेसेस प्रिंट होंगे वो 0 प्रिंट होंगे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? एक इनिशलाइजेशन कर लेते हैं एक वेरिएबल का, लेट्स से एक्स वेरिएबल का, और ये नंबर ऑफ स्पेसेस हमें बता रहा है। और अगर 5 हमारा नंबर ऑफ लाइन्स है तो इतने स्पेसेस पहली लाइन में होंगे और हर बार स्पेसेस की जो संख्या है वो 2 रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको हम जनरलाइज करें तो नंबर ऑफ लाइंस एन अगर हैं तो 2 × n-1 से स्पेसेस वाले पार्ट को हमने इनिशलाइज करना है। तो जो पहली लाइन है उसमें जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो नंबर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना है, फिर उसके बाद स्पेसेस प्रिंट करना है एक्स स्पेसेस, और एक्स स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स को प्रिंट करना है इस तरह से। लास्ट लाइन को एक बार हम और फिर से एनालाइज अगर करें तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस टाइम तक, और फिर नंबर ऑफ लाइन से इनिशलाइज करके 1 तक फर्दर नंबर्स को हम प्रिंट कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सभी में ऐसा है, लाइन नंबर्स के हिसाब से ही, टोटल नंबर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड लाइन नंबर से स्टार्ट करके 1 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स की प्रिंटिंग। आइए इसको कोट करके देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले यूजर से नंबर ऑफ लाइन इनपुट करा लिया है और एक्स इक्वल्स टू 2 × n-1 स्पेसेस आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइंस एन हमें प्रिंट करनी है, इसलिए आउटर लूप है। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें प्रिंटिंग करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स की। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स को प्रिंट करने के लिए लेट्स से हमने एक जे वेरिएबल ले लिया, इसको हमने 1 से इनिशलाइज किया, और जब तक जे आई के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब लाइन नंबर के इक्वल, तब तक हम नंबर को प्रिंट करते रहेंगे। तो हमें नंबर प्रिंट करना है जे, फिर इसके बाद हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे और स्पेसेस हमें एक्स स्पेसेस को प्रिंट करना है। तो एक्स स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए एक लूप लगाते हैं फॉर इंटीजर के इज इक्वल्स टू 1, k < or = 2 एक्स स्पेसेस एंड k++। स्पेसेस कैसे प्रिंट कर रहे हैं? ऐसे हम स्पेसेस को प्रिंट करते हैं। स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद हम एल लेते हैं और उसको 1 से इनिशलाइज करते हैं और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स को प्रिंट करेंगे। इसको 1 से इनिशलाइज न करके बल्कि लाइन नंबर से इनिशलाइज करते हैं और इसको घटते हुए क्रम में प्रिंट करना है, इसलिए l > or = 1 तक और l -1। प्रिंटिंग क्या करनी है हमें? नंबर की प्रिंटिंग करनी है, मतलब एल की प्रिंटिंग करनी है। जब सारी प्रिंटिंग हो जाएगी तो हम न्यू लाइन में आ जाएंगे, इसलिए एंडल, या अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो स्लैश एन लगा दीजिए। रन करके देखते हैं इसको। हमने 5 एंटर किया, एक्चुअली हमने नीचे पार्ट और लिखा है, इसको बता देते हैं, प्रीवियस प्रोग्राम करते हैं। तो हमने 5 किया, ओके। इसमें एक गलती मेरे से ये हुई कि हमने एक्स को रिड्यूस नहीं किया स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद, क्योंकि हर बार जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो 2 रिड्यूस हो जाएंगे।
Now you can see the pattern you wanted is getting printed on the screen. बड़े नंबर्स के लिए अगर हम पिक करें, जैसे वी आर पिकिंग एट 4, 9, द आउटपुट इज सेम एज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पैटर्न. वी विल मीट विद सम अदर पैटर्न इन द नेक्स्ट टाइम.